जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है, मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो अभी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी तो हजारों लाखों साल पुराने हैं। इनका जीता जागता सबूत हमारा राम से। पड़ोसी और आपका पति एक समान हो जाएगा? जैसे पड़ोसी और हमारा पति एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है। कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट दिमाग। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब पंजाब डेली टीवी। मैं थोड़ा दोस्त संजय सिंह। मैं दिलप्रीत कौर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो गाइस, आज दी जी वीडियो है वो वीडियो हैगी है फिर एक हिंदुइज्म ते एंड इस्लाम दे। वीडियो शुरू करने तो पहले मैं गल करदा, कई मैनू कल भरावां दे कमेंट आए ते कहंदे तुसी हिंदुइज्म नू क्यों टारगेट कर रहे हो ये वो एंड। आपां कल दी वीडियो च पहले स्टार्टिंग च क्लीयर करता सीगा कि आपां धर्म नू नहीं माड़ा कहंदे ना कदे कहने आ एंड बहुत रिस्पैक्टफुल है। असी तां खुद मतलब उन्हां दे जो हिंदुइज्म दे जो मतलब फेस्टिवल्स हुंदे आ जां जो रस्मां रिवाजां असी खुद मतलब वो देखदे आ, साडे नाल ही है। ठीक है, असी जी सोसाइटी च रहने साडे आसे पासे मोस्टली हिंदू सारे हिंदू। ठीक है, तो असी रिस्पैक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गल सिर्फ ज्यादा हिंदू लोग ही ने। हाँ जी, गल सिर्फ उन्हां दी है जिहड़े धर्म की आड़ दे विच गलत काम करते हैं। आपां उन्हां बाबियां दी गल करते हैं, उन्हां दा पर्दाफाश करते हैं क्योंकि वह भी नहीं मनते है ना। कई हिंदू भी है जिहड़े नहीं मनते इन चीज़ों नूं क्योंकि इन्हां दुकानां खुल्लियां होईआं बाबिआं ने, यार इस चीज़ नूं अंडरसटैंड करो। अच्छा, तो दूजी गल यह कि तुसीं रिएक्शन ते रिएक्शन देई जांदे कहिंदे आह की गल बणी, तो वह इस करके गाइज क्योंकि जिहड़ियां ये वीडियोज़ है ना एक क्लिप ये हुण पता नहीं, ये तो बहुत रिसर्च करनी पैंदी है, भाई होरां ने वीडियो लगा के रखी हुई है पहलां ही, तो आपां नूं ईजी हो जांदा देखना। तो क्योंकि जेकर असी हर रोज़ का एक तो तुसीं कहिंदे वीडियोज़ होर अपलोड करो, तो जेकर असी रिसर्च वास्ते हुण जांदा प्रोपर एक बंदा चाहिए रखना पैना। ठीक है, करते हैं कुछ, दैट्स वाई जिहड़ा उदा हुंदा, तो असीं उन्हां नूं क्रैडिट भी दिंदे हां पूरा, तां करके उन्हां दी वीडियो भी नाल लगाने हैं, नहीं तां असीं कट के भी बना सकते हैं। सो यह सारा चक्कर है। अज्ज दी वीडियो च देखते हैं कि एक हिंदू हिंदू या मुस्लिम लड़का है, देखते हैं उन्होंने की क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो करते हैं, शुरू आ जाओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, मेरा बहुत हैवी क्वेश्चन है महाराज जी। हैवी महाराज जी, मैं मेरा नाम चंदन है, मैं कट्टर हिंदू हूँ महाराज जी। हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है, मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो अभी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी तो हजारों लाखों साल पुराने हैं। इनका जीता जागता सबूत हमारा राम सेतु है। बिल्कुल, हमारे ऐसे पुराने पुराने प्राचीन मंदिर हैं जो 1400 साल के हजारों साल पुराने हैं और वो अखंड है। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप उन्हें समझाएं कि ईश्वर अल्लाह कैसे अलग है। कहाँ है वो, बोलो। अभी तो हमारे साथ नहीं आए, वो भंडारा खा रहे हैं। चलो उनको लाना, फिर अभी ले आते हैं, बाद में खा लेते। तो महाराज जी, आप यहीं से समझा दीजिए कि ईश्वर अल्लाह कैसे, सभी लोगों को समझा दीजिए कैसे भिन्न है। भाई देखो, जैसे पति आपके, हमने कई बार कहा कि जैसे आपके पति दो नहीं हो सकते है ना, पड़ोसी और आपका पति एक समान हो जाएगा। जैसे पड़ोसी और हमारा पति एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है। यार देखो, हुण फिर तुसीं कहने कि टारगेट करदे, हुण इह टारगेट वाली गल नहीं, इह इस बंदे दी थिंकिंग है। इहने किसे धार्मिक ग्रंथ दी गल नहीं दसी है। इहने भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, हरि, इह सारे इक्को ही नाम है यार। पति विच मतलब एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल इन्हों की इदा दियाँ होंगे ना थोड़ी जी। अगर कल किसी का कमेंट भी आया, कहते बाबा जी एग्जाम्पल भी आपके अर्गी देंगे कि चोर की एग्जाम्पल दिती, अज भी वह जी एग्जाम्पल दिती है कि पति के गुआढ़ी एको बराबर थोड़ा होंगे। हाँ, मतलब भगवान तो अल्लाह एको बराबर नहीं, उन्होंने कहना मतलब यह है, उन्होंने एग्जाम्पल दिती है, मतलब कोई तुक नहीं, कोई गलबात नहीं बनी यार हद। तो उही हूँ वाद विवाद पैदा करने वाली गल होगी ना कि अल्लाह दा के 1400 साल पहला आया है। तो क्योंकि हर बंदा दुनिया च आपदे धर्म नूं उच्चा साबित करन ते लगा होया। हुण जिवें उन्होंने कहा भी ये तो पता नहीं किन्ने लखां साल पुराना है सनातन धर्म। ठीक है, हुण उस तरह इस्लाम विच भी तो यही मन्निया जांदा कि आदम जदों तों पहला इंसान दुनिया ते आया तो उदों तों इस्लाम की शुरुआत हुई है। तो सब धर्मां च अपनी अपनी मान्यता, पर वाद विवाद पैदा करना तो मेरे ख्याल गलत है। अगे देखते हैं कि डॉक्टर जाकर नायक होरी की कहिंदे इस गल ते। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है, उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। सही है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का, और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है।
कि अल्लाह ये कह रहा है। गुड पॉइंट। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? गुड क्वेश्चन भाई साहब का। अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है भगवान एक है, सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है, तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है? भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, नहीं मानते सब, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है क्या भगवान एक है, कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं, और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं हर कोई एक में नहीं मानता, कितने लोग तीन में मानते, कितने लोग सौ में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात हाँ, है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है अक्सर सबने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है, सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते, कुरान क्या कहते कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान है भगवान एक है मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते, तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे बाइबल पढ़ो वेद पढ़ो ये सब इसकी मुमानियत है, ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पर जो फ़र्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवा बैन बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है, एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है, ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई, अल्लाह का जो पैगाम है बेसिक पैगाम वो सेम है, वो बदलता नहीं, कि अल्लाह एक है एक ईश्वर की इबादत करो वो बदलता नहीं, उसके कुछ चीजें ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पर किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ, लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे वो कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما قدمت ايديهم ويل لهم مما يكسبون। इसके मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है, लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है, तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है, उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुभाना व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए
वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुबहाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए, जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना और ये मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया। तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पर पहुँच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले भाई 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट दिमाग जिदा हूँ इन्होंने दसिया कि कुरान एक फाइनल किताब आ, वो कोई एडिशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो जिदा हूँ क्रिश्चियंस की जो बाइबल आ, वो हर साल कुछ ना कुछ एडिशन करता पॉप जड़ा हों, ठीक है, वो मतलब अपने अकॉर्डिंगली जिमें भी ऑल दैट हो जाता। इतने मैं एक गल होर ऐड करना चाहूँगा कि जिमें तुम सारे पता है कि सिख धर्म के 10 गुरु साहबान हुए हैं, तो 10 गुरु साहबान तो बाद जो 11वें गुरु जिन्होंने मनिया जाता है, वह मनिया जाता गुरु ग्रंथ साहब, तो उन्होंने भी कॉन्सैप्ट यही सीगा कि हूँ कोई इस तो बाद कोई देह गुरु लाइक जिमें हूँ अपने तो तुम इधर कहने कि मुहम्मद साहब जिदा लास्ट पैगंबर से, तो लास्ट जोड़े गुरु से गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने मतलब की किया कि सानू एक ज्ञान दिता, गुरु ज्ञान दिता। गुरु का मतलब की होंगे जिन्हें उन्होंने अपना ज्ञान देना हो, सही राह पाना हो, तो उन्होंने एक सानू एक ग्रंथ दिता, ठीक है, जिन्हों का नाम रखा गुरु ग्रंथ साहब। तो उन्होंने पढ़ के एक सिख मतलब अपनी जिंदगी जींदा। पर अफसोस ये है कि लाइक जिवें हुण कई लोग है जिहड़े वो अपने धार्मिक ग्रंथां नूं फॉलो नहीं करते, उस तरह कई सिख भी उस चीज़ नूं फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो यही एक नाकामी हुंदी है उस कौम दे लोकां दी जदों उस चीज़ नूं फॉलो नहीं किया जाता। तो वीडियो वधिया सी, मज़ा आया। कुछ मिसटेक सब तो हो जाती है, पर कुछ कोई जान बुझ के करता, मतलब ये पढ़ोगे तो ही पता लगेगा भी की कुछ लिखा विच। बिल्कुल, एंड जो लिखिया वो अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि आप शिरक करना। मतलब जिवें उन्होंने वो गल की कि लोग कहते हैं कि रब एक है, क्योंकि मुस्लिम धर्म भी हम जिमें अल्लाह एक मनिया जाता, पर लोग कबर से मत्थे टेकते, कबर से पूजा करते, ठीक है। साढ़े इंडिया के बहुत लोग करते हैं, तो ऑलरेडी पता ही है मत्था टेकना ही है वो, ये साढ़े भी होंगे सिखी च, ये नहीं कह सकते भी हिंदू धर्म च होंगे, साढ़े भी होंगे भी हाँ मत्था टेक देंगे है, बस जी उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं, साढ़े गुरु से साढ़े पिता गुरु से सब कुछ, मतलब इधर रिस्पैक्ट करते हैं, नाले उन्होंने गल्लां भी असं करते हैं भी किन्ने कि वधिया सीगे, किन्ने मतलब योद्धा वधिया, बिल्कुल हर चीज़ वधिया लगती है उन्होंने। बट कहते फोटोआं नूं मत्था टेकना वह बहुत गलत, मतलब सजदा करना, सजदा सिर्फ ते सिर्फ रब नूं होना चाहिए। देखे गए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं असीं मत्था टेकदे आं, देखे गए ओह सानूं उन्हां नूं। अच्छा, इत्थे वी हुण कई लोग कहिंदे कि इह वी तां शिरक ही है गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना, इहदे विच शिरक नहीं है, वह कोई पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं है कि जिहदी कोई कबर है जां जिहड़ा कोई मानता रखण वाला कोई इदां दा बंदा नहीं है जिहनूं असीं मत्था टेक रहे हैं, वह एक ज्ञान है, नॉलेज है,
ठीक है ओ यार सीरीयस गल चल रही है इदा ना करो। सो वो एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, ठीक है। असी नॉलेज नू आपां सजदा कर सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान है सच्चा, जिवें कहिंदे गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, है ना। मतलब कि जे गुरु है नहीं ना अपनी लाइफ 'च, आप किसी नू डेडिकेशन अपने कोल है नहीं, भी आप किसी दे अकॉर्डिंग, मतलब कि आपां नू कोई बंदा दसे ते आपां उहदे ते विश्वास कर सकीए विश्वास, सो वो जिहड़ा ट्रस्ट है ना वो असी गुरु ग्रंथ साहिब ते करदे हां। हाँ जी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब विच हर एक गल दा जवाब है। अच्छा एक होर लिख के गया हो तां उहनां दी गल्लां की है सब कुछ सानूं पता है, बिंद विच लिखिया होया उहनां ने जिहड़ियां असीं गल्लां करदे ना कि सिखिज़म ते इस्लाम दे बुनियादी जो बेसिक कंसैप्ट है वो लगभग सेम है। कल एक वीडियो अपलोड करांगे जां शायद अज ही हो जाए जिहदे विच जाकर नायक दस रहे है सिखिज़म बारे, ठीक है। वह अपना वीडियो तो इन्ना गलबात मैं जरूर करूँगा वो, क्योंकि वो कई जिहड़े मुसलमान वीर उहनां दे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। एंड जिहड़े लोकी कोई हिंदू वीर इधरले जिहड़े कमेंट करदे सी कि तुसी सिर्फ हिंदू इस्लाम धर्म दी वीडियो बनाउने आ, तां मेरे ख्याल इदां नहीं है, है ना। एक साडी पर्टिकुलर ऑडियंस है, असी उस ऑडियंस वास्ते कॉन्टेंट बनाउने आ, पर कोशिश करांगे कि असी सारी ऑडियंस नूं जिहड़ा कवर करिए हौली हौली, चाहे उहदे विच हिंदूइज़म होवे, सिखिज़म होवे, सारी होना क्रिश्चियन साड़े सारे बराबर, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो चलो साइड बाय साइड चली जाएगा, लेकिन नाल नाल आपां ये भी कोशिश करांगे कि आप सारे टॉपिक कवर करिए। सो इस यदि वीडियो तुहानूं कदे लगणी कमेंट करके जरूर दस्सो, आपकी राय जरूर देकर जाया करो, तो जेकर तुहानूं साडी कोई गल गलत लगती है कमेंट करया करो, असीं तुहानूं रिप्लाई करन दी पूरी पूरी कोशिश करांगे। मिलते हैं किसी होर वीडियो, तद तक सानूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।